जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज ड्रॉ करने वाले हम स्टिल लाइफ। तो कैसे ड्रॉ करते हैं चलो देखें। फर्स्ट विल डू स्टैंडिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन, कर्व दोनों साइड करना है, दोनों साइड कर्व, फिर ऊपर आपको बनाना है ऐसे ओवल से। ओके, फिर दो स्टैंडिंग लाइन करके इन दोनों को डबल लाइन में कन्वर्ट कर देना है। स्टैंडिंग लाइन दूसरी स्टैंडिंग लाइन, ठीक है यहाँ तक। फिर नीचे से कर्व दोनों साइड ऐसे कर्व कर देना है। ओके, दोनों साइड ऐसे नीचे से भी एकदम अच्छा सा कर्व कर दो, ठीक है। फिर बाद में ये लाइन को आपको कर देनी है इरेज। स्टैंडिंग और स्लीपिंग हमने जो बनाई थी उसको आपको कर देना है इरेज। ओके, इरेज कर दिया हमने। फिर यहाँ पे ऐसे इसको डबल लाइन में कन्वर्ट करना है। ओके, ये हमने लाइन में इसके कन्वर्ट कर दी। ये हमारा ऑब्जेक्ट डन। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, उसमें भी क्या करना है, फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग स्लीपिंग। ओके, दोनों साइड सेम रहना चाहिए, यहाँ पे जितना हो इतना यहाँ पे रहना चाहिए। फिर यहाँ पे ओवल शेप बनाना है बट एकदम पतला वाला, ऊपर इसे ओवल शेप हम बनाएंगे बट एकदम पतला सा ओवल शेप। ओके, बाद में यहाँ पे स्लीपिंग लाइन और इसके जितने ही इतना स्लीपिंग लाइन है कि यहाँ पे और नीचे दोनों सेम स्लीपिंग लाइन करेंगे, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। फिर ऊपर से कर्व करके यहाँ और ये कर्व इन दोनों को कर देना है यहाँ पे इस लाइन के साथ मैच। ओके, फिर यहाँ पे कव करो सी, ABCD का सी आता है ना, तो ऐसे सी ओके यहाँ पे मिरर ऑप्सी सी एंड मिरर ऑप्सी। ओके, फिर एस स्लीपिंग लाइन की थी हमने, एस स्लीपिंग लाइन की थी यहाँ पे कर देना है थोड़ा सा कर्व
थोड़ा कव टाइप दिखना चाहिए, नीचे भी ऐसा करना है थोड़ा कव टाइप दिखना चाहिए, नीचे भी कर देंगे ऐसे कव। ओके, फिर हमने जो स्टैंडिंग और स्लिपिंग बनाई थी उसको कर देना है वो इरेज। अभी डन, बाद में यहाँ पे एक कव करो, यहाँ पे एक हल्का सा ऐसा कव करो, फिर दोनों को ऐसे कर दो मैच। तो हमारा जो फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट था वो भी डन कंप्लीट।